उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। पिछले 10 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिन कोरोना संक्रमण को लेकर चिंताजनक हो सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में कोविड 19 को लेकर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल 10 दिन पहले तक कोरोना के मरीजों की हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं हो पा रही थी और अब मरीज दोहरे शतक की तरफ है। उत्तराखंड में जुलाई का महीना किसी बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। खासतौर पर राजधानी देहरादून में तो स्थिति खराब होती दिख रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से देहरादून पहले भी एपिक सेंटर के रूप में रहा है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 48 था, जो बढ़कर 183 पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या 808 पहुंच गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम परिस्थितियों पर सरकार नजर बनाए है, वहीं वक्त के साथ साथ जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। एमके न्यूज की टेक्स्ट रिपोर्ट।